हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं नियो वोल्टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि NHM स्वास्थ्य विभाग की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 100% रियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बम्पर भर्ती है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, नेशनल हेल्थ मिशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक और नई सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, जो कि 6400 प्लस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे इस भर्ती से जुड़ी हुई पूरी जानकारी, आवेदन कब से कब तक चलेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, XYZ सारी चर्चा हम करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपको इस वैकेंसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के लास्ट तक मिलने वाली है। दोस्तों, आप सभी से एक शिकायत भी रहती है, आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और रोजाना इसी प्रकार सरकारी नौकरियों की जानकारी के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाएं और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से, NHM की ओर से ये जो नई वैकेंसी निकाली गई है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। टोटल वैकेंसी 6400 समथिंग यहां पर वैकेंसीज है और यहां पर आपकी जो परीक्षा है वो नहीं होने वाली है। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे कि यहां पर बिना परीक्षा के अगर आप चाहते हैं NHM में नौकरी पाना तो दोस्तों आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की, वो है 31 दिसंबर 2020। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का प्रूफ। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं इनविटेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज है। यहां पर आप देख सकते हैं 6432 वैकेंसी यहां पर जारी की गई है और यहां पर आप देख सकते हैं आवेदन जो है 7 दिसंबर से शुरू होंगे और 31 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है आवेदन करने की। 27 नवंबर को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के बेसिस पे हम आपको पूरी वैकेंसी की जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि NHM स्वास्थ्य विभाग में एक सरकारी नौकरी पाना तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लास्ट तक देखने से आपको पूरी वैकेंसी की जानकारी मिल जाती है और आप जो है अपने जो भी सवाल और डाउट्स हैं वो सारे कवर कर लेते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल या शंका हो इस वैकेंसी को लेकर के तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें NHM स्वास्थ्य विभाग के अलावा और भी भर्तियां आ चुकी है। लगभग 2 लाख पदों पर भर्तियां आ चुकी है जो कि रेलवे, SSC, बैंक के अंदर है, पुलिस में है, आर्मी की है और भी अदर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है। उन सभी की जानकारी आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। तो आज ही गूगल में सर्च करें tipsviralbuzz.xyz। जैसे ही आप tipsviralbuzz.xyz को गूगल में सर्च करेंगे, आपके सामने सबसे पहले ही हमारी वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर आकर के आप सभी वैकेंसीज की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, हम हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं NHM स्वास्थ्य विभाग में आई भर्ती की। दोस्तों, पोस्ट की बात कर लेते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, अपर कैडर की पोस्ट है और टोटल वैकेंसी 6432 है। जी हाँ दोस्तों, 6432 पदों पर ये बम्पर भर्ती है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस वैकेंसी के लिए केवल आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। ओडिशा की जॉब लोकेशन है। और दोस्तों, एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर एज लिमिट जो है NHM के रूल्स के मुताबिक रहेगी, लेकिन फिर भी कम से कम अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे, आवेदन कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पर NHM के रूल्स के मुताबिक रहेगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहां पर GNM अगर आपके पास में है, मतलब कि यहां पर अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है नर्सिंग का, तो आप अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा और भी क्वालिफिकेशंस होगी, वो आपको मिलेगी फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको बता दें, इसके आवेदन जो है 7 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक चलेंगे, तो आप 31 दिसंबर तक अप्लाई कर पाएंगे और 7 दिसंबर से यहां पर आपके सामने लिंक जो है एक्टिवेट हो जाएगा ऑनलाइन आवेदन करने का। तो 7 दिसंबर पर आप यहां पर क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे, यहां पर क्लिक करके आप सीधा नोटिफिकेशन पे जा सकते हैं। दोस्तों, ये रहा शॉर्ट नोटिफिकेशन, यहां पर 27 नवंबर को ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहां पर आपको केवल शॉर्ट ही अपडेट मिल पा रही है। यहां पर अब से 6432 टोटल वैकेंसीज हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। देख सकते हैं आप यहां पर नर्सिंग ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यहां पर ये वैकेंसीज निकाली जा रही है ओडिशा के अंदर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है 6432।
पदों पर। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं ओडिशा की। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स भी मेंशन कर रखी है, इवेंट्स यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब तक चलेंगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 7 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक चलेंगे, लेकिन आप जो है फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे 31 दिसंबर तक। तो यहाँ पर आप जो पेमेंट है ऑनलाइन करा सकेंगे 7 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक, और यहाँ पर आप लास्ट डेट है 31 दिसंबर, इस डेट तक आप जो है फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका फुल डिटेल में नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है, लेकिन आवेदन 7 दिसंबर से 100% शुरू होने वाले हैं। यहां पर आपके सामने शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से ओडिशा सरकार द्वारा एनएचएम की वैकेंसी की अपडेट जारी कर दी गई है। तो आवेदन इसके 7 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसकी तैयारियों में लग जाए, अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन पाना तो इस वैकेंसी के लिए आज ही तैयारियों में लग जाए। तो दोस्तों इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल या शंका है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक